वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग कम्प्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे प्लास्टर करवाने के टाइम पे हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे होता है प्लास्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वर्ल्ड का कोर्स है वो लॉन्च हो गया है। आज ही जाके देखिए क्या है कोर्स में, या आप विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com पे, जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, गुरुजी का खजाना कोर्स के लिए आपको फ्री ट्रायल वर्जन्स भी हैं और कुछ फ्री कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो तुरंत जाइए या आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब भी हम लोग घर बनवा रहे हैं उसके बाद जो हमारी ब्रिक वॉल तैयार हो गई रहती है, उसके बाद जो हमको प्लास्टर करना रहता है उसमें, तो प्लास्टर करने से पहले हम लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो हमारा ब्रिक वॉल है, जैसे कि चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो ब्रिक वॉल है ये प्रिपेयर हो गई है और उसके बाद में इसमें प्लास्टर का भी काम शुरू हो गया है। तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखना है प्लास्टर करवाते टाइम, जो हमारी ब्रिक वॉल प्रिपेयर हो गई है हमको उसको प्रॉपरली क्योर करना है। मतलब वहां पे जैसे ही हमारा यहाँ पे ईटा जोड़ाई का काम हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को उसमें पानी डालना होगा, मतलब क्यूरिंग करनी होगी, ताकि जितना भी वो ईटा एब्जॉर्ब कर सकता है पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले, ताकि हम लोग बाद में जो प्लास्टर के टाइम पे मोर्टार उसमें लगाएंगे तो मोर्टार में जो पानी प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब ना कर सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रिक्स का जो एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें जो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो 15% तक का पानी सोख लेती है, सेकेंड क्लास ब्रिक आपकी 20% तक का पानी सोख लेती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया वहां पे हम लोगों को पानी क्योर प्रॉपरली पानी डालना ही है। सेकेंड चीज, पानी डालने के बाद आपका जो सीमेंट स्लरी होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सीमेंट का घोल बोलते हैं, वो आपका इस पे स्प्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि ब्रिक और मोर्टार के बीच में एक जॉइंट प्रिपेयर हो सके। तो दूसरी चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जो सीमेंट स्लरी आप बनाएंगे वो होता है आपका 4.4 केजी पर स्क्वायर मीटर में। तो वहां पे आपको यही ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर सीमेंट का पेस्ट भी लगाएं बिफोर आपका जब प्लास्टर होने वाला है। दूसरी चीज हमको इसमें ध्यान ये रखनी पड़ती है कि जो हम लोग मसाला प्रिपेयर कराते हैं इसमें, मसाला इन द सेंस जो हम लोग मोर्टार का रेशियो लेते हैं वो जनरली आपका 1:4 से 1:6 तक का लेते हैं, रिच मिक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो हम लोग प्लास्टर करवाते हैं सीलिंग पे आपका 6 mm का प्लास्टर होता है, जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है। स्मूथ मतलब अगर यहाँ से मेरा ब्रिक लेयर ईटा जोड़ना शुरू करता है तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ सरफेस मिलेगा, पर इसके पीछे जो वॉल है वहां पे मेरे को स्मूथ नहीं मिल पाएगा, थोड़ा अंड्यूलेशन मिलेगा। तो जहां स्मूथ सरफेस रहती है वहां पे मेरे को 12 mm का प्लास्टर करना है, जहां रफ सरफेस मेरे को मिल रही है वहां मैं 15 mm का प्लास्टर करूंगा। जो हम लोग मसाला प्रिपेयर कराएंगे हमको ये ध्यान रखना है कि मेरे को जितना मसाले का काम है मैं उतना ही मसाला बनाऊं, क्योंकि मसाला अगर बना के मैं रख देता हूं उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि उसमें पानी मिला लेंगे या सीमेंट मिला लेंगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लोग को एग्जैक्ट क्वांटिटी में मसाला बनवाना है। तो अगर मैं बात करूं अंड्यूलेशन की, तो जो अंड्यूलेशन है उसको मैच करने के लिए यहां पे जो हमारे मेसन्स हैं वो काम करते हैं टिप्पी पे। मतलब कि अगर ये मेरी ब्रिक वॉल है वो ब्रिक वॉल पे मैं एक 15 mm या 12 mm या मेरे को जितने mm का प्लास्टर करवाना है, क्योंकि ये वैरी करता है, क्योंकि कहीं पे हो सकता है मेरे को ज्यादा प्लास्टर करना पड़े, क्योंकि अगर मेरे ईटा अंड्यूलेशन में है तो उसके हिसाब से मैं टिप्पी प्रिपेयर करता हूं और उसी को पकड़ते हुए फ्लोट की हेल्प से, फ्लोट मतलब जो आप फंटी देखते होंगे जो प्लास्टर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फंटी की हेल्प से हम लोग उसको बराबर करते हुए चलते हैं ताकि मेरे को एक स्मूथ फिनिश मिल सके। यही मेन पर्पस होता है आपके प्लास्टर का कि आपको स्मूथ फिनिश मिल सके। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले, जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद भी कम से कम उसको हम लोग को 4 से 5 दिन प्रॉपर क्यूरिंग कर
करवाना होता है ताकि जो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसको अचीव कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लास्टर के लिए हम लोग को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। उसके साथ साथ में ही अगर जब आप ब्रिक वर्क करा रहे हो तो ब्रिक वर्क के टाइम पे अगर आपको सीपेज और डैम्पनेस से बचाना है अपनी वॉल्स को तो आपको शुरू पे ही उसकी रेमेडी लेनी होगी। जैसे कि आपने अगर 1.5 मीटर तक का अगर अपना ब्रिक वॉल खड़ा कर दिया है उसके बाद आप एक डीपीसी की लेयर जो हमारी डैम्प प्रूफ कोर्स की लेयर होती है वो बिल्कुल प्रोवाइड करिए ताकि अगर यहां से ब्रिक में अगर वाटर ट्रांसफर का कैलिब्रेशन होता है तो वहां पे वो डीपीसी पे आके रुक सके और पूरी वॉल खराब ना हो। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार और फिर से रिकॉल करवा देना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी आप प्लास्टर कर रहे हैं आपकी जो ब्रिक वॉल रहेगी उसको आप प्रॉपर पानी क्योरिंग के साथ में ही उसके बाद प्लास्टर करें। उसके बाद सेकेंड सीमेंट का घोल प्रिपेयर कराएं जो कि आपका 4.4 केजी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बनाएंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग को जो मोर्टार की एग्जैक्ट क्वांटिटी है उसको ध्यान में रखना है कि आप एक 4 का रेशियो ले रहे हैं या आप एक 6 का रेशियो ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग उस पर प्रॉपर मोर्टार क्वांटिटी के साथ में मोर्टार के साथ प्लास्टर करेंगे 6 mm का 12 mm का या 15 mm का, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्मूथ सरफेस और इट इज रफ सरफेस। फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे लास्ट स्टेप जब वो प्रॉपर सेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमको कम से कम उसमें 5 से 6 दिन तक पानी की क्योरिंग करवानी ही है। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टर कराते हैं। चलिए देखते हैं और कैसे होता है प्लास्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग रेती यूज कर रहे हैं वो आपके प्लास्टर के लिए हम लोग थोड़ी फाइन रेती यूज करते हैं तो उसके लिए कम से कम हमको Zone 2 या Zone 3 तक का रेती यूज करना होता है प्लास्टर के टाइम पे ताकि जो भी वॉइड्स है उसको प्रॉपरली फिल कर सके हम लोग। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह मसाला बना हुआ है, यही मसाला का यूज करके आपने चाहे 1:4 का मसाला बनाया हो चाहे 1:5, 1:6 तक का रेशियो आप यूज कर सकते हैं प्लास्टर के टाइम पे। वहां पे जैसे ही आप प्लास्टर करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड कर सके चाहे एंड्यूलेशन हो चाहे ना हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस फेस पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ब्रिक वर्क हुआ है वहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फेस मेरे को मिल रहा है वो कितना स्मूथ है। इस पे जो हम लोग जनरली प्लास्टर कर पाएंगे वो 12 mm तक का विथ प्रॉपर टिप्पी के साथ हम लोग प्लास्टर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डीपीसी की लेयर प्रोवाइड की गई है इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे, ये इसीलिए की गई है ताकि जो पानी है वो यहाँ से थ्रू कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका पानी ट्रांसफर ना हो और आगे में जाके
सीपेज या डैम्पनेस ना आए आपके वॉल्स में। तो इस तरह से हम लोग को ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम लोग साइट एग्जीक्यूशन का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग प्लास्टर का वर्क कैसे कराते हैं और क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो आप प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते रहो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।